कैसे हैं आप सब। तो आज मैं Xiaomi Redmi Note 8 Pro का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद है। रैम की बात हो तो 4 to 8 GB रैम ये मिलता है हमारे पास। 64 मेगापिक्सल कैमरा है हमारे पास और 4500 mAh बैटरी है हमारे पास। फ़ोन लाइट वेट में बनाया गया है, फास्ट फ़ोन है एंड बजट फ़ोन में ये आता है। डायमेंशन की बात हो तो 161 डायमेंशन है फ़ोन का, जो कि 8.8 mm है। और अगर बिल्ड की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास 5 है, ग्लास बैक है, बैक जो है वो भी ग्लास से बना हुआ है, और गोरिल्ला ग्लास फ्रंट है, और गोरिल्ला ग्लास 5 प्लास्टिक फ्रेम से बनाया गया है। सिम की बात हो तो हमारे पास ये देख सकते हैं, हमारे पास टाइप सी चार्जिंग यहाँ लगता है, और डुअल स्पीकर है हमारे पास, जो कि आपके सामने हैंड फ्री हमें मिलती है। और ये आप देख सकते हैं, सिम की बात हो हाइब्रिड डुअल सिम है, नैनो सिम लगती है और डुअल स्टैंड बाई सिम लगती है। और अगर वेट की बात हो तो 200 ग्राम है वेट में हमें मिलता है। तो ये रहा फ़ोन। तो अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में हमारे पास IPS LCD है, जो कि HDR है, 500 nits टाइप है। स्क्रीन साइज़ की बात हो तो 6.53 inches है, 104.7 cm है, 84.9 स्क्रीन टू रेडियो बॉडी रेडियो है। और अगर रिजोल्यूशन की बात हो तो रिजोल्यूशन हमारे पास 1080x2340 pixel है, जो कि हाई रिजोल्यूशन फ़ोन है। 19.5 रेडियो है, 395 PPI डेंसिटी हमारे पास। तो ये आप फ़ोन देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। तो और अगर प्रोटेक्शन की बात हो, डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से बनाया गया डिस्प्ले है, जो हमें इसके साथ मिलता है। तो ये रहा फ़ोन की कंडीशन। देखो आप देख सकते हैं हमारे पास अबाउट फ़ोन वगैरह सब कुछ। अब आते हैं वाईफाई की तरफ। वाईफाई भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ और फास्ट वाईफाई है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वाईफाई भी स्मूथ है, फास्ट रिकवरी करता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जिस तरह वाईफाई इसी तरह ब्लूटूथ भी फास्ट, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ भी काफ़ी फास्ट है। ये देख सकते हैं सर्चिंग में तेज़ डायरेक्ट इसने, ये एक ही डिवाइस अवेलेबल है और आ गया। तो ये रहे बाकी की टूल्स। और फ़ोन हमारे पास LTE सपोर्ट फ़ोन है, आप इस पे LTE यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं अबाउट की तरफ, फ़ोन के अबाउट में। तो ये रहा अबाउट फ़ोन। तो ये आप देख सकते हैं डिवाइस नेम रेडमी नोट 8 प्रो, ये देख सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन भी आप देख सकते हैं। और स्टोरेज इसमें 128, ये हमें 128 स्टोरेज में मिलता है फ़ोन। 128 GB स्टोरेज है एंड 6 GB रैम हमारे पास फ़ोन में अवेलेबल है, जो कि आपके सामने CPU देख सकते हैं, ऑक्टा कोर मैक्स है, 2.0 GHz है, ये आप देख लिया। और ये OS एंड्रॉयड 9.0 में बनाए गए हैं, अपग्रेडेबल एंड्रॉयड 11 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चिपसेट MediaTek हीलियो G90T है हमारे पास, ऑक्टो कोर गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A76 GPU है, और GPU हमारे पास माली G76 MC4 है। तो ये रही फ़ोन की कंडीशन, जो कि आपके सामने रही। तो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी में अभी आपको शो करने जा रहा हूँ कि क्या क्या है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट मौजूद है, फेस लॉक भी मौजूद है। अभी आपको फिंगरप्रिंट शो करने जा रहा हूँ कि इसका फिंगर कितना फास्ट है और कितना स्मूथ है। तो इसमें हमें फिंगरप्रिंट बैक साइड भी मिलता है, ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट हमें बैक साइड में अवेलेबल है आपके सामने। तो अभी ये शो करने जा रहा हूँ कि कितना स्मूथ फिंगरप्रिंट है, ये देख सकते हैं। बस लगने फिंगरप्रिंट विद इन 3 to 4 सेकेंड में फिंगरप्रिंट लगता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट है, ये आप देख सकते हैं। जस्ट टच एंड ओपन फिंगर सेंसर जो है फ़ोन का, काफ़ी फास्ट और फिंगरप्रिंट है, ये अभी आपको शो करने जा रहा हूँ कि कितना स्मूथ और फास्ट फिंगरप्रिंट है। ये आप देख सकते हैं लाइट से टच करने पे ओपन हो रहा है, मैं बैक से टच कर रहा हूँ फिंगर को, फिंगरप्रिंट को, एंड लाइट टच एंड ओपन, बस लगने वाली, देख सकते हैं जस्ट लाइट से टच करने पर ओपन होता है। तो फिंगरप्रिंट वाइज भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो अभी आते हैं कैमरे की तरफ, मेन कैमरे की तरफ। मेन कैमरा हमारे पास जो है 64 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि 1.926 mm वाइड है, और जो कि PDF है। सेकंड कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल में मिलता है, जो कि 13 mm है, अल्ट्रा वाइड में मिलता है। तीसरा कैमरा जो है थर्ड वन कैमरा, वो 2 मेगापिक्सल है, जो कि माक्रो है, 2.4F है। और फोर्थ वन कैमरा जो है वो भी 2 मेगापिक्सल है, जो कि डीप्ड है।
तो ये आप स्क्रीन का पोर्ट्रेट फ़ोन का पोर्ट्रेट देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। अब आते हैं सेल्फ़ी की तरफ। सेल्फ़ी हमें 20 मेगापिक्सल वाइड में मिलती है। ये आप देख सकते हैं फीचर्स में हमारे पास HDR मौजूद है, पनोरमा मौजूद है और दोनों साइड से बैक एंड फ्रंट कैमरे से आप 1080p टू 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि आपके सामने है। तो ये हमारे पास सेल्फ़ी रही। कैमरा वाइज फ़ोन नॉर्मल है और आप इसे गेमिंग वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा फ़ोन। थैंक्स फॉर वॉच। दूसरे वीडियो में शामिल हैं।